और अब बात सियासत की। छिंदवाड़ा का चुनावी रण खत्म हो गया है। कमलनाथ सियासी घमासान में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता पुराने कांग्रेसी अजय यादव इसे लेकर वो कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। कह रहे हैं कांग्रेस खेमे कबीले और गुटों का संग्रह है। कांग्रेस खेमे कबीले और गुटों का संग्रह है। कमलनाथ जी अपना चुनाव लड़ा, अपने व्यापार के लिए निकल गए। कांग्रेस के ढोल की पोल 4 तारीख को खुल जाएगी। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने सफाई दी। कहा कमलनाथ बैतूल, नरसिंहपुर, होशंगाबाद में सभा कर चुके हैं, आगे भी वो सभाएं लेंगे। जी ने अपना चुनाव लड़ा और व्यवसाय करने विदेश यात्रा पर निकल गए। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से बाहर नहीं निकल रहे हैं, किसी उम्मीदवार का कहीं प्रचार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी ढोल की पोल 4 जून को खुलने वाली है। कांग्रेस के नेता इस चुनाव में अप्रासंगिक हो गए। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में बुरी तरह हारने जा रही है। नहीं, उन्होंने उनकी आमसभा चल रही है। नरसिंहपुर में आमसभा हुई उनकी, बैतूल में आमसभा हुई, बालाघाट में आमसभा हुई और होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में उनकी। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, हालांकि कमलनाथ प्रचार कर रहे हैं, नकुलनाथ के बाद की जो सीटें हैं इक्का दुक्का जगह उन्होंने प्रचार किया है, पर हकीकत यह है कि कांग्रेस के ज्यादातर दिग्गज घिरे हुए हैं और स्टार प्रचारक सीमित जगहों पर पहुंच रहे हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए ललित, सवाल ये इसलिए उठ रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हों या राज्यसभा सांसद विवेक तनखा या उमंग सिंघार या अरुण यादव, देखिए लगातार उनके दौरे सामने आ रहे हैं। हर दिन वो 2 से 3 लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, 2 से 3 सभाएं कर रहे हैं और ऐसे में स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का केवल चुनिंदा मीटिंग करना और उसके बाद पूरे सियासी घटनाक्रम से गायब हो जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मौका दे रहा है और यही कारण है कि बीजेपी इस पर मौका जो है मौका भुना रही है और वो सवाल खड़े कर रही है कि आखिर वो कहाँ है। और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि वो उनका प्रचार हो चुका है, छिंदवाड़ा पहले चरण में चुनाव हो गया और अब वो अपने व्यापार के लिए निकल गए हैं। हालांकि अगर बात कांग्रेस की तरफ से करें तो लगातार कांग्रेस के नेता इस पर सफाई भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ सभाएं की है, लेकिन सवाल जो मैं उठा रहा हूँ बार बार अब बीजेपी की तरफ से जो सवाल आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि लगातार जिस तरीके से बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के नेताओं के दौरे हो रहे हैं, उस लिहाज से कमलनाथ के दौरे नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कमलनाथ के दौरे जो है हमने विधानसभा चुनाव में भी देखे, उसके पहले भी हमने लगातार देखा कि एक दिन में 2 से 3 सभाएं वो कर रहे थे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वो सभाएं कम कर रहे हैं या ये कहें कि बीच में एक लंबा गैप भी वो ले रहे हैं, यही कारण है कि बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि ये बात सही है कि लगातार वो उन्होंने पहले चरण के बाद चाहे वह नर्मदापुरम हो, बैतूल हो या फिर होशंगाबाद के इलाका हो, यहाँ पर कुछ सभाएं की थी, लेकिन चूंकि तीसरे चरण का मतदान होना है उसमें किसी जगह वो सभा करने नहीं गए, चौथे चरण में भी चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, तो चुनावी सभाओं से जो गायब हो रहे हैं, खासकर चाहे वह राहुल गांधी की भिंड की सभा हो या फिर प्रियंका गांधी की जो रैलियां हुई, उन रैलियों में जब वो नहीं पहुंचे और यही कारण है कि बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है। जी जी, जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे और अब अगली खबर का हम रुख करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड के महगांव में चुनावी सभा की, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के शहर से प्रत्याशी बोरिया बिस्तर बांधकर हमारे पास आ गया। कांग्रेस के लोग घमंडी लोग हैं। योजना सीमा पे जो सुरक्षा देने के लिए खड़े उनकी मुंडियां काट करके वो ले जाते थे और ये मनमोहन सिंह लाचार बेचारे बनकर मिमियाती भाषा में जो पुराने लोग कहते वही कहते, हम क्या करें, पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, पाकिस्तान का क्या करें, वो दूसरा देश है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे वाह भैया, तुम कुछ नहीं कर सकते, पूरे देश ने कसम खाई, यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नीचे उतरो, मैं आके बैठूंगा, मैं सब करके बताऊंगा। इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती गुना से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव प्रचार करने के लिए शिवपुरी पहुंची। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मंच साझा कर उमा भारती ने कहा कि पीएम मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए सिंधिया जैसे सांसद की जरूरत है। उमा भारती ने यह भी कहा कि बीजेपी को खड़ा करने में सिंधिया घराने का बहुत बड़ा योगदान रहा। राजमाता सिंधिया विजया राजे सिंधिया ने पार्टी को इस काबिल बनाया कि वह भ्रष्टाचारी कांग्रेस को हरा सके। उस समय पर कांग्रेस को गिरा करके जनसंघ के साथ मिलकर सरकार न बनाई होती तो यहां भाजपा कभी इतनी ताकतवर न बन पाती। आप ध्यान रखें,
हमारी छवि अच्छी रहती, हमारे नेताओं की छवि अच्छी रहती, लेकिन हमारी जो शक्ति है वो राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की। इधर कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बयान पर पलटवार किया। जीतू पटवारी ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बेहोश बताया और यह भी कहा कि बेहोशी के कई कारण हो सकते हैं। गोविंद राजपूत बेहोश है, बेहोशी के कई कारण हो सकते हैं। सत्ता की बेहोशी भी हो सकती है और तरीके की बेहोशी भी हो सकती है, वो होश में आएंगे तब बात करेंगे। इधर इंदौर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर बयान दिया। यहां उन्होंने कहा कि वो सिंधिया नहीं है, उमंग सिंघार है और वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, लेकिन दिल्ली से लेकर प्रदेश तक के बीजेपी के लोग उनसे लगातार संपर्क में रह रहे हैं। देखिए, संपर्क तो रोज ही करते हैं, इतने सालों से करते आ रहे। जब इस सरकार जारी थी जब नहीं गया, सब तरह के प्रलोभन दिए गए, तो उमंग सिंघार है, सिंधिया नहीं है। कि जो अभी भी कोई संपर्क हुआ है क्या लोकसभा चुनाव के दौरान, क्या ऑफर मिला? कई लोग है, सब तरह के लोग करते हैं प्रयास, अब दिल्ली से लेकर भोपाल तक के लोग प्रयास करते, समय आने पे वो भी उसको भी बताया जाएगा। राजगढ़ में ओमकार सिंह मरकाम ने विवादित बयान दिया। उनका राजगढ़ में, दरअसल वो दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार के दौरान गए हुए थे और अब एक बयान उनका वायरल हो रहा है। इस पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी अपनी हार देखकर बौखला रहे हैं। मैं चाहता हूं चाहे भाजपा के हो चाहे दूसरे दल के हो, ये बात आ गई है राजगढ़ की, राघोगढ़ की, हमारे स्वाभिमान की, मान की, सम्मान की। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा की सिलवानी विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान गोरखी गांव में बहनों ने पारंपरिक गीत गाए, शिवराज सिंह को गेहूं की पोटली भेंट की। पूर्व सीएम भावुक नजर आए, उन्होंने जब बहनों से पूछा कि गेहूं की पोटलियां क्यों दी हैं, बहनों ने जवाब दिया भैया को चुनाव जिताने के लिए दे रहे हैं। भैया को चुनाव जिताने के लिए दे रहे। छह बार के विधायक और पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का दामन थामने के बाद रामनिवास रावत को अचानक से याद आया कि उन्होंने 40 साल तक कांग्रेस के लिए काम किया। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर गए तब भी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। कई दूसरे नेताओं को कांग्रेस छोड़ने से रोका, जब टिकट देने की बारी आई तो उनकी अनदेखी की गई। रामनिवास ने कहा कि पार्टी ने उनके साथ हमेशा अन्याय किया, लेकिन जिस तरह से मेरे साथ लगातार व्यवहार किया जा रहा था, सीएलपी मुझे बनने का नंबर था, ईमानदारी से अगर परफॉर्मेंस के आधार पर बनाते निर्णय लेते तो रामनिवास को बनाया जाता, और इसके पहले भी और इस बार भी। और इसके बाद लोकसभा के टिकट की जब बारी आई, पहले तो हमें उस समय देते रहे जब चुनाव हारने की स्थिति थी, इस बार चुनाव जीतने की स्थिति थी, उस समय हमें टिकट न दे करके ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो एक दिन का सदस्य। और चंबल के पूर्व डाकू मलखान सिंह ने ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने क्षत्रियों को ललकारते हुए कहा कि बीजेपी की जमानत जब्त कराओ, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए तो आपका क्षत्रिय धर्म खत्म हो जाएगा, क्षत्रिय का एक वोट बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए। तकरीबन 2 लाख क्षत्रिय हैं ग्वालियर लोकसभा में। निवेदन है कि क्षत्रिय होशियार हो जाओ, अगर पूरे आप अपना पेट अभी 6-7 दिन बचे हैं करेला क्षेत्र में पौड़ी में भूल जाओ, क्षत्रिय जहां जहां तुम्हारा क्षत्रिय हो, जहां जहां तुम्हारा मित्र हो, और घूम जाओ और कहो कि भारतीय जनता पार्टी की जमात जब तो होना चाहिए, क्षत्रिय वोट नहीं डालेगा, क्षत्रिय कोई उसके कलेक्टर उसमें कार्यकर्ता नहीं बनेगा, तो भाई हम मान लेंगे क्षत्रिय है। यदि आप कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बन गए तो आपको बड़ा खास होगा।
भोपाल के एक बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। वारदात के बाद पीड़ित बच्ची को धमकी तक दी गई। मासूम ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। इसके बाद और इस वक्त सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई है रामलला के दर्शन करने के लिए। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंची हुई हैं और यहां पहुंचकर सबसे विधि विधान से पूजा अर्चना। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दिव्य भव्य मंदिर, उसमें विराजे रामलला और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हैं। इससे पहले अलग अलग राज्यों की कैबिनेट, हर किसी का दिन नियत था, हर राज्य की कैबिनेट पहुंची, रामलला का आशीर्वाद इन्होंने लिया और अब देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं राम मंदिर। भगवान के दर्शन उन्होंने किए। आज ही उनके बाबा भोलेनाथ के भी दर्शन का कार्यक्रम था और एक तरफ सरयू आरती में वो शामिल हुई और अब रामलला के दर्शन के लिए पहुंची हुई हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अयोध्या से देख रही हैं। सरयू तट पर आरती, हनुमानगढ़ी में रामलला के दर्शन, ये उनका पहले का तय कार्यक्रम और अब एक तरफ सीधी तस्वीरें। और एक तरफ कुछ देर पहले की तस्वीरें जब वो पहुंची हुई हैं मां सरयू की आरती के दौरान भी मौजूद रही, आशीर्वाद उन्होंने लिया और इसके बाद रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ ही जाने का भी उनका कार्यक्रम। आज का ये दौरा, एक दिवसीय ये पूरा दौरा, हनुमानगढ़ी के साथ शुरुआत, सरयू तट पर आरती, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच महामहिम अयोध्या में, एक दिन का ये पूरा दौरा है। इससे पहले ही राष्ट्रपति कार्यालय की सुरक्षा टीम यहां पर पहुंच गई थी और सारी व्यवस्थाएं देख ली गई थी और अब एक दिवसीय दौरे पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और अब बात करेंगे गर्मी की। मध्य प्रदेश में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। प्रदेश में 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है। रीवा में रिकॉर्ड 43 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। प्रदेश के 17 जिलों में पारा 40 के पार है। 3 मई को एक सिस्टम और एक्टिव होना है, वेस्टर्न सिस्टम है ये। और बैतूल छिंदवाड़ा मंडला में तापमान बढ़ेगा। बालाघाट समेत कुछ शहरों का जो पारा होगा वो बेहिसाब चढ़ेगा। और अब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ साथ शानदार इनाम आप जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है